हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पल्लव देसाई, गवर्नमेंट होम्योपैथी डिस्पेंसरी दरियापुर अहमदाबाद में काम कर रहा हूं। गवर्नमेंट आयुष डिपार्टमेंट में मैं 23 सालों से हूं। गवर्नमेंट आयुष डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट पंचायत अहमदाबाद की ओर से हेल्थ अवेयरनेस शिविर जो हम कर रहे हैं, उसमें पहले शिविर और सेमिनार में हमने देखा कि डिजीज कैसे बढ़ रहे हैं, विश्व आरोग्य संस्था के हिसाब से क्या करंट हेल्थ सिचुएशन है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और बहुत सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी आजकल बीमारियां बढ़ रही है, तो क्या उसका रीजन है? एक्चुअल हेल्थ स्टेटस जानने के लिए मैंने एक लिंक बनाई है जो आप तक शायद पहुंच चुकी है, आपने उसको शेयर भी किया होगा। मगर अगर आपने उसको शेयर नहीं किया है तो वो लिंक को कृपया शेयर करें, और जिससे हमें पता चलेगा कि आज का एक्चुअल हेल्थ स्टेटस क्या है। पहले सेमिनार में जो बातें हमने हेल्थ रिगार्डिंग की, उसके बाद पेशेंट्स और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उसके सजेशंस जो मुझे मिले, उसके मुताबिक हम शीघ्र ही दूसरा सेमिनार करने जा रहे हैं, जिसमें हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा बहुत बात तो करेंगे ही, मगर जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा ड्रग, डिजीज एंड डॉक्टर, कैसे हम तीन चीजों से दूर रहें। जानने की बात यह है कि रिसर्च से पता चला है कि आजकल विश्व में बहुत सारी अनसिविलाइज पॉपुलेशन है जो 100 साल से ज्यादा जिंदा रहती है, और उसमें क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर, वो सब डिजीज नहीं पाई गई। क्यों ऐसा है? वो क्या ऐसा करते हैं जैसे वो बीमार नहीं रहते? ये सब चीजें हम दूसरे सेमिनार में देखेंगे। बहुत सारी बातें जो आपको शायद पता नहीं होगी या वो रखी नहीं गई है, ऐसी सारी हकीकत क्लिनिकल डेटा के आधार पर और रिसर्च जो हुए उसके आधार पर हम दूसरे सेमिनार में आपको ये सब इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। दूसरे सेमिनार की डेट और प्लेस शीघ्र ही आपको उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो कृपया उस सेमिनार में आप पार्टिसिपेट करें, और जिन जिन लोगों को आप जानते हैं उन लोगों को उस सेमिनार के बारे में आप समझाएं। दूसरे सेमिनार में वो सब चीजों के साथ हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।